28 मई को भारतीय सरकार यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत सरकार की पहली नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 19 पार्टियां यानी 19 विपक्षी पार्टियों ने इस इनॉग्रेशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। इसमें से मेन दल आप जानते हैं कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी वगैरह पार्टी के पास बहुत सारे सांसद हैं, उसमें डीएमके भी एक हो गई। इन्हीं सबके बीच एक विवाद आता है शेंगोल स्थापित का। रोज चोल वंश के समय से सत्ता हस्तांतरण का जो एक भारतीय परंपरा का जो नियम था उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने बरकरार रखने के लिए एक शुरुआत की। हालांकि ये पहले से भी था लेकिन इतिहास में इसको दबा दिया गया था। जब ब्रिटिश ने भारत से भारत को आज़ाद किया तो उस समय माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि बताइए कि हम आपको सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें। तो नेहरू ने सेम सवाल जाकर के श्री राजगोपाल आचार्य यानी राजा जी के पास ये सवाल रखा। तब राजा जी ने इसके बारे में खोज की और उन्होंने पता लगाया कि भारतीय परंपरा में सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाती है। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि दक्षिण भारत के राजा चोल साम्राज्य के समय में जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस देश पर राज किया है दक्षिण में, उनके समय एक सेंगोल होता था जिसके ऊपर नंदी बना रहता था, उसी के द्वारा सत्ता हस्तांतरण किया जाता था। इसके बाद श्री राजगोपालाचार्य ने ये सारी बात जाकर नेहरू को बताई तो नेहरू उसके लिए तैयार हुए। इसके बाद नेहरू ने श्री राजगोपालाचार्य ने वहाँ के सुनारों को, दिल्ली के सुनारों को, उस सेंगोल को तैयार करने के लिए कहा गया। इसके बाद 14 अगस्त की रात या 15 अगस्त की रात बोल लीजिए, 14 अगस्त की मध्य रात्रि में सारा कार्यक्रम किया गया और जो सत्ता हस्तांतरण का जो नियम था जिसमें सेंगोल था वो बाकायदा नेहरू को दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो और ये सारा कार्यक्रम करवाया तमिलनाडु के अधीनम मठ के द्वारा, जिसमें वहाँ के साधु संतों ने पहले इस सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। उसके बाद उन सन्यासियों ने, संतों ने लॉर्ड माउंटबेटन से उस सेंगोल को वापस ले लिया। इसके बाद उस सेंगोल पर गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध किया गया और वो सेंगोल नेहरू जी को दिया गया। अब नेहरू जी ने उसे लिया और उसको सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना और इस सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक का साक्षी अंग्रेज शासन में रहा। उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य और बाकी लोगों ने सत्ता चलाई, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो उसने, जब नेहरू का देहांत हो गया तो नेहरू की बाकी चीज़ों के साथ साथ इस सेंगोल को कांग्रेस सरकार ने इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया, ये कहते हुए कि ये नेहरू की सोने की बौखली छड़ी या सोने की टहलने वाली छड़ी है। अब देख सकते हैं किस तरह से भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। और आज तक ये बात दबी नहीं हुई, जब तक ये बात दबी हुई थी जब तक कि पीएमसी नरेंद्र मोदी ने इस बात को सभी लोगों के सामने उजागर नहीं किया। अब 28 मई को भारत सरकार ने नए संसद भवन बनाई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बने हुए हैं। इसके ऊपर एक नेशनल एम्ब्लम या भारतीय प्रतीक जिसमें चार सिर आपको मिलेंगे वो भी लगाया गया है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इस उद्घाटन में बुलाया गया है। वहीं 19 विपक्षी पार्टियों ने इसका ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया है कि ये प्रदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो पार्टियां एक सांसद होते हुए भी सीधा जाकर के किसी राज्य की विधानसभा का उद्घाटन कर दें और उसका शिलान्यास कर दें, लोकार्पण कर दें और वहाँ के राज्यपाल तक को न्योता नहीं दिया जाए, वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, उस राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए।